25 मई 2023 ये वो डेट है जब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट से ऑफिशियली एलुमिनाई में चेंज हो गए। वैसे तो ये 4 साल एक बहुत लंबा समय होता है, बट अब कॉलेज से पास आउट होने के बाद अब ऐसे लगता है कि बहुत कम समय मिला हमें। मुझे आज भी याद है वो डेट 2 जुलाई 2018 जब इस कैंपस में मैं फर्स्ट टाइम आया था और उस टाइम बारिश हो रहा था और ये कैंपस मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने एक बार में डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एडमिशन यहीं लेना। और उस टाइम मेरे लिए सब कुछ नया था, ये कैंपस, ये सिटी, यहाँ के लोग, एवरीथिंग। बट मैंने अपना डिसीजन बना लिया था और मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, कॉलेज में एडमिशन लिया, बहुत सारे नए मेमोरीज बनाया, बहुत कुछ नया सीखा, इस कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बनाए एंड कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स बने जो कॉलेज में भी साथ थे, रूममेट थे एंड आज भी साथ हैं, रूममेट हैं। एंड मुझे आज भी वो डेट याद, 8 अगस्त 2018 जब मेरी क्लास ने फर्स्ट टाइम मासबंक किया। एंड ये वही जगह है जहाँ पर हम लोग आकर उस चीज का डिस्कशन कर रहे थे एंड वो एक अलग ही फीलिंग था, आप देख सकते हो सबके चेहरे पे। ये हमारा पोडियम, इस जगह की जितनी बातें करें, जितनी तारीफ करें उतना कम। इस जगह से हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई, क्योंकि जब भी हम लोग मासबंक करते थे या क्लास जाने का मन नहीं किया तो इसी जगह पे बैठते थे एंड डिस्कशन करते थे चीजों का। एंड कभी ऐसे ही कॉलेज चले आए वॉक करने तो भी इस जगह पे या डी जंक्शन पे बैठते थे। तो आई थिंक ये सबका ही एक यादगार प्लेस होगा या फेवरेट प्लेस होगा सबका ही। सो गाइस अभी चलते हैं एंड मैं आपको अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलाता हूँ। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि 1 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं फाइनली, तो देखते हैं किसका कैसा रिएक्शन रहता है। आप बने रहो वीडियो में। और गणेश भाई कैसे हो? और अच्छा कैसे हो? बढ़िया, तू बता। मैं बढ़िया यार। और ब्रो और कर रहे हैं यार आप? तो कैसे भाई, नशाना एक नंबर लग रहा भाई। अरे धीरज भाई, रोम रोम, रोशन कैसी भाई, हम भी लेके आते हैं, मिलते हैं फिर ना। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं कैंपस और आप देख सकते हो मेरे भाई लोगों को और कितना क्राउड है यार यहाँ पे, कितने लोग हैं, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो गाइज अभी चलते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का गाउन लेते हैं एंड फिर उसको पहन के आपको दिखाते हैं कैसा लुक आने वाला है एंड एवरीथिंग, फिर सबसे मिलेंगे एंड फोटो खिंचाएंगे। हाय कृति, कैसे? बढ़िया। मिल गया ग्राउंड? अच्छा अच्छा। तो इश्ता कैसी है? हाय मेहमान। हाय शर्मा जी, कैसे भाई? हाय अदिति, कैसी है? यू लुकिंग नाइस, थैंक यू। हाय न्यूटन, सॉरी नूतन। हाय नीना द ब्लॉगर। हाय नीना। ओ ब्रो कैसा? तो एक छोटा सा फॉर्मेलिटी करना पड़ रहा है इसको लेने के लिए, एक फॉर्म भरना पड़ रहा है एंड फिर आपको ये मिले। और सर कैसे हैं आप?
गाइस फाइनली क्राउन मिल गया मुझे ग्राउंड। कैसा ब्रो? मस्त। कैसा लग रहा है आप लोग यूट्यूब पे आने वाले हैं? आने के बाद। और बड़ी कैसे? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं यार, एक साल बाद ऑलमोस्ट। स्टार्ट हो गया ना चैनल? और क्या भाई, चल रहा है। कैसे हो? बढ़िया। कैसे ब्रो? बढ़िया। गोल्डन गन उड़ मेरा देख छोड़े करता है फन। गोल्डन गन उड़ मेरा देख छोड़े करता है फन। गोल्डन गन उड़ मेरा देख छोड़े करता है फन। तो गाइस आप देख रहे हो फाइनली हम लोग अपना ग्राउंड पहन लिए हैं और कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और हाय सिमरन। हाय। तुम्हारा ये तो मेरी कॉलेज फ्रेंड हो गया है। क्या क्या कहते हैं? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, तभी तुमने तुमको दिया। चलो बाय 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 एवरीवन। तो फाइनली हम लोग सब लोग टोपी पहन के रेडी हो चुके हैं और आप देख रहे हो कुछ ऐसा व्यू एंड लुक होने वाला है। बावार भाई। हाँ भाई। यार टेक नंबर। चलो हाय गाइस। कॉन्वोकेशन के लिए स्पेशली बाल दाढ़ी बढ़ाई जा रही थी इधर, और इसने अपनी दाढ़ी हटवा दी। मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। मीट माई फ्रेंड आदित्य दुबे। हेलो दीना, कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, तुम बताओ। और सब कहाँ? सब ये है भाई अपने। I'm gonna miss my college days. I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college. और हिमांशु कैसा? कैसा लग रहा ग्राउंड पहन के? आओ तुम्हें दिखाते हैं। और अमन कैसा? हाय। हेलो ब्रो। अरे भाई हाय। ये ऑफिशियल कॉलेज का है दृष्टि, ऑफिशियल भारती का है। अबे अच्छी नहीं आ रही यार तू। हिमांशु कोई एग्जाम का इंसिडेंट बताओ जो ये सीना गया था। किस ईयर में? फर्स्ट ईयर में। तो एक्चुअली हुआ क्या था, एग्जाम हिमांशु एग्जाम में ओलेक बैठ गया था अपना फोन, और वो फोन पकड़ा गया था, और हम लोग उसके जस्ट एक दिन बाद इमेजिका जाने वाले थे, बट इसके वजह से प्लान कैंसिल हो गया था पूरा। ये नहीं था बट फोन था। हाँ अदिति कैसा रहा तेरा चार साल इंजीनियरिंग में? बताओ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इतने अच्छे दोस्त मिले यार हम लोग की तरह। उन लोगों को मैं अच्छी मिली बस, मुझे अच्छी। किन लोगों को? अब तारीफ लग गई। तकलीफ हुई लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि मैं अपने साथ वापस यादों का एक बड़ा सा सूटकेस ले जा रही थी, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो दिन, वो रातें, वो हंसी, वो मस्ती, वो दोस्ती। तो गाइस इतने दिनों बाद सबसे मिलके रियली बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि हम लोग सब आगे भी मिलते रहेंगे। सो गाइस अभी चलते हैं सेरेमनी हॉल जहाँ पे डिग्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर के एन गणेश आ चुके हैं। तो ऑनरेबल चांसलर, Honorable Vice Chancellor and Honorable Pro Vice Chancellor will felicitate the rank holders of postgraduate and undergraduate examinations with Chancellor's gold medals and certificates of merit. Now I request Honorable Dr. K. N. Ganesh, chief guest of this convocation, to kindly felicitate the rank holders with gold medals and certificates of merit. Dr. Mandar Karmarkar, Dean, Faculty of Medical Sciences, will present the gold medalists. Honorable Padma Shri Dr. K. N. Ganesh, chief guest of this convocation, to kindly felicitate the students who have obtained the highest marks
amongst postgraduate and undergraduate examinations held under this faculty with Chancellor's Gold Medal and a Certificate of Merit. Dr. Pallavi Singh, who stood first in Doctor of Medicine, MD Dermatology, Venereology and Leprosy examination held in summer 2022. First in Bachelor of Technology, B.Tech Mechanical examination held in summer 2020. तो अभी चलते हैं पोडियम पर जहाँ पे मुझे अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ फोटो शूट करवाना है, कुछ प्रोसेस है, फिर मिलते हैं पोडियम। तो गाइस ये मेडिकल डिपार्टमेंट है एंड ये हमारा मेडिकल कैंटीन है, दो कैंटीन है यहाँ पे, इंजीनियरिंग कैंटीन एंड मेडिकल कैंटीन। अमन तू किस कैंटीन में जाता था? मेडिकल। क्यों भाई? बस फीलिंग अच्छी आती है। तो एक्चुअली मेडिकल कैंटीन ज़्यादा बेटर एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। रीजन ये कि बराबर है बट समझ जाना चाहिए यार अभी लोगों को। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन, ना किसी मंजिल की फिकर थी जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे।